Good morning, student. Today I am going to tell you about remainder theorem. So basically remainder theorem क्या होती है, आप इसको read कर सकते हैं. आपको पता है basically जब भी आप किसी भी polynomial को किसी दूसरे polynomial से divide करेंगे, x minus 1 से divide करेंगे, तो जो भी जो remainder आता है, जैसे ये remainder आया हुआ है, ये remainder होगा, इसकी degree या तो 0 होगी या less than divisor होगी. तो देखो यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है, ये इसकी डिग्री 0 है ना, तो बस यही होता है इसके अंदर. जो भी आपका रिमाइंडर होता है, उसकी डिग्री या तो 0 होगी या फिर लेस देन होगी डिवाइजर से. अब बेसिकली इसमें होता क्या है, अगर मैं आपको इस क्वेश्चन को ऐसे बोलूँ कि इस पॉलीनोमियल को इससे डिवाइड करो और रिमाइंडर क्या आएगा, तो आपको ये पूरा प्रोसीजर करना पड़ेगा, है ना, आपको ये पूरा प्रोसीजर करना पड़ेगा. बट रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से आप डायरेक्ट कर सकते हो उसको. रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से आपको क्या करना है, जो भी आपका डिवाइजर है उसको इक्वल टू 0 रखना है. इक्वल टू 0 रखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी. x माइनस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे, वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी. अब जहाँ जहाँ पर भी x है, वहाँ वहाँ पर आप 1 प्लेस कर दो, आपका डायरेक्ट रिमाइंडर आ जाएगा. देखो अब एक तो ये है कि आप ये पूरा बड़ा प्रोसेस करो फिर आप रिमाइंडर निकालो, और दूसरा ये है कि आपका डायरेक्ट रिमाइंडर आ जाएगा. जो ये डिवाइजर इक्वल टू 0 रखो, एक्स की वैल्यू निकालो और एक्स की वैल्यू उसमें पुट कर दो, तो इसमें ये आपका इजी तरीके से रिमाइंडर निकल जाएगा. तो बेसिकली इसी को ही रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं. अब नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. चलो फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, देखो ये है, अब इसको डिवाइड करेंगे वाई प्लस 2 से. अब एक तो इसमें ये तरीके से करके दिखाया हुआ है कि माइनस 5 आएगा, और एक आई होप आपने ये डिवीज़न 8 क्लास में की होगी, और या फिर आप क्या कर सकते हैं, वाई प्लस 2 जो भी है इसको इक्वल टू 0 रख दो. जब इसको इक्वल टू 0 रखोगे तो माइनस वाई की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 2 आ जाएगी. तो फिर आप वाई की जगह माइनस 2 पुट करोगे और आपके पास डायरेक्ट रिमाइंडर आ जाएगा. तो इस तरीके से आप रिमाइंडर इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं. यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम की प्रॉपर एक डेफिनेशन दे रखी है, थ्योरम स्टेटमेंट दे रखी है, लेट पी एक्स बी एनी पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड ए बी अ रियल नंबर इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाय ए एक्स माइनस ए देन रिमाइंडर इज इक्वल टू पी ए. ये वही बेसिकली वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया था कि अगर x माइनस ए से डिवाइड करो तो इक्वल टू 0 रख दो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a आ जाएगी, और वो पॉलीनोमियल में पुट कर दो. So like this you can find remainder. I'm sending some questions also, please do that questions also. Before doing this, ये कुछ remark दे रखे हैं, इसको भी देख सकते हो आप. अगर आपको x plus 1 से divide करना हो तो आप x की value minus a put करोगे, और अगर x minus a से divide करना हो तो x की value a put करोगे. अगर आपका ax minus माइनस बी पोलिनोमल है, जब इसको ax minus माइनस बी को टू 0 रखूँगा तो x की value क्या आएगी, b by a, तो आप पॉलीनोमियल में b बाय a पुट करोगे अगर आपको रिमाइंडर निकालना है. तो इसी तरीके से एक ए एक्स प्लस बी वाला केस दे रखा है, इसी तरीके से बी माइनस ए एक्स वाला केस दे रखा है. बेसिकली जो भी आपका डिवाइजर है उसको इक्वल टू 0 रखो, x की वैल्यू फाइंड आउट करो और वो x की वैल्यू पुट कर दो, आपका डायरेक्ट रिमाइंडर आ जाएगा. अब इसमें एक और चीज़ भी, एक और क्वेश्चन भी कर लेते हैं इसका. इसमें वेरीफाई भी कर सकते हैं, डिटरमाइन द रिमाइंडर. अगर आपको रिमाइंडर निकालना है तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं. अगर इसमें ये ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बताओ कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है या नहीं है. x माइनस 1 अगर इसका फैक्टर होगा तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए. तो आप इसे चेक भी कर सकते हो, x माइनस 1 इसका फैक्टर है या नहीं है. तो x माइनस 1 जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना आएगा, आपका पी 1 पुट करोगे 1 आ गया, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया. रिमाइंडर 1 आने का मतलब ये है कि ये दिस पॉलीनोमियल इज़ नॉट फैक्टर ऑफ दिस, ये इसका फैक्टर नहीं है. तो आप इस टाइप की क्वेश्चंस भी इससे कर सकते हो. आपको वेरीफाई करना के लिए बोला जाए फैक्टर, तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो. नाउ वी आर मूविंग टू लास्ट थिंग ऑफ दिस वीडियो, फैक्टर थ्योरम. अब जो फैक्टर थ्योरम होती है वो रिमाइंडर थ्योरम का कन्वर्स ही होता है. उसमें क्या बोला गया था कि अगर x माइनस ए लेट पी एक्स बी द पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 देन ए बी रियल नंबर सच दैट पी ए इज इक्वल टू 0 देन x माइनस ए इज फैक्टर.
कन्वर्सली इफ़ एक्स माइनस ए इज़ फैक्टर ऑफ पी एक्स दैन पी ए इज़ द ज़ीरो। अब इसमें वही चीज़ है, अगर आपका पी ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है तो एक्स माइनस वन उसका क्या होगा, फैक्टर होगा, नहीं तो उसका फैक्टर नहीं होगा। यही बेसिकली आपकी फैक्टर थ्योरम है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सपोज करो उसने बोला है शो दैट एक्स माइनस सी इज़ फैक्टर ऑफ दिस, अगर ये इसका फैक्टर है तो जो रिमाइंडर है वो कितना आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए। एक्स माइनस थ्री इज़ इक्वल टू ज़ीरो पुट करो, वैल्यू निकालो और वो वैल्यू इसमें पुट कर दो। तो एक्स की वैल्यू जब थ्री पुट करोगे इसके अंदर तो आपका ज़ीरो आ गया। इसका मतलब क्या है, ये इसका फैक्टर है। लाइक दिस आप ये चेक कर सकते हो फैक्टर है या नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अंडरस्टैंड हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं इसको एक बार फिर दोबारा आप देख सकते हो, और इसके साथ की जो मैंने वीडियो भेजी है आप वो भी देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।